नमस्ते बच्चों, आठवीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी, खेल जहां मैदान वहां, उपवाचक पाठ है और भाग वन में आपका स्वागत है। तो यहां हम देखते हैं खेल जहां मैदान वहां, हम जहां खेलना चाहेंगे वहीं हम मैदान बना लेंगे, जगह छोटा हो या बड़ा। तो एक उपवाचक पाठ है, पढ़िए और आनंद लीजिए। इसने लिखा है ज्ञान चतुर्वेदी। लेखक कौन है? ज्ञान चतुर्वेदी। तो वे इस कहानी के द्वारा हमें यह समझाना चाहते हैं कि बच्चे जहाँ खेलना चाहेंगे वही मैदान बना लेंगे। एक मिनट का भी समय मिलेगा तो खेलने के लिए ही पहले वे सोचेंगे। देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं। मेरे घर के सामने एक छोटा सा ऊबड़ खाबड़ मैदान नुमा भूमि का टुकड़ा है, जहाँ प्रतिदिन एक सनसनी खोज टेस्ट मैच हो जाता है। स्कूल के बच्चों की बस 8 बजे आती है। बच्चे 7 बजे से ही आकर इस स्थानीय ओवल मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं। यह मैदान 50-60 फीट चौड़ा और इतना ही लंबा है। 7-8 बसे एक के ऊपर एक रखकर क्रिकेट बना लिया जाता है। पता है ना, जो कुछ भी मिलेगा विकेट स्टंप्स ये सब वे बना लेंगे। तो यहाँ क्रिकेट बच्चे छोटे हो या बड़े क्रिकेट खेलना बहुत ही पसंद करते हैं। यहाँ पर ये बच्चे भी 8 बजे स्कूल का बस आता है। स्कूल बस से पहले ही 8 बजे उन्हें बस चलना है, बस स्टॉप से पहले वे 7 बजे ही उस मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं। तो 1 घंटा का समय उन्हें मिलता है खेलने के लिए, और उनके पास टिकट बनाने के लिए 3 डंडे नहीं है, इसीलिए अपने बस्ते को ही मतलब स्कूल बैग को ही टिकट बना लेते हैं। ऐसा चौड़ा और ऊंचा विकेट रिकॉर्ड बुक में दर्ज होना चाहिए, क्योंकि 8-10 बस्ते मतलब जो विकेट के साइज है उससे भी बहुत ही लंबा है, इसीलिए इस तरह का विकेट तो रिकॉर्ड में गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए, नॉमिनेट करना चाहिए। ऐसे भीमकाय विकेट होने पर भी यहाँ किसी को 3 बॉल से आउट करना कठिन है, क्योंकि बॉल बस्ते टकराई या नहीं इस पर बच्चे कभी एकमत नहीं होते। अगर विकेट है तो उस पर जो रखा हुआ स्टंप्स है लगते ही चित्रा जाएंगे, तो पता चलता है कि आउट हुआ है कि नहीं। लेकिन इतने सारे स्कूल बैग से रख दे और बॉल जाकर उन बैग से टकराए तो बैग तो इधर उधर हटेंगे नहीं, तो कोई बता नहीं पाते हैं कि वे 3 बॉल हुए हैं या नहीं, इसीलिए ऐसा 3 बॉल या आउट करना इन्हें बहुत कठिन काम है। इसीलिए बच्चे कोई भी सहमत नहीं होते, एकमत नहीं होते हैं, मतलब दे डोंट एक्सेप्ट। खूब घुमा झटकी के बाद कोई मान जाए तो बात अलग है, कैच आउट मानना पड़ता है। तो यहाँ पर इनको आउट कैसे किया जाता है? सिर्फ कैच आउट, बॉल को हवा में अगर वे पकड़ ले उसे ही आउट मानते हैं। वैसे उसमें भी कई बार इस बात पर लड़ाई होती है कि बॉल बहुत तेज करी थी और ऐसी तेज बॉलिंग करना कहाँ की इंसानियत है। अभी हमारी बारी आने दो तो बताएंगे, फिर ना कहना, मतलब यहाँ पर तुम्हारा बॉल बहुत तेज से आने के कारण मैं पकड़ नहीं पाया, जब मैं ही बॉलिंग करूंगा तब बताऊंगा तुम्हें। इस तरह एक दो अपने आप को बताते जाते हैं। सबसे पहले 2 टीमों का चयन होता है। हमें पता है कि अगर कुछ खेल खेलना हो तो उसके लिए 2 टीमों की जरूरत होती है, और हर एक टीम में 11 बच्चे होना चाहिए, मतलब 11 खिलाड़ी होना चाहिए। वह एक्चुअल रियल गेम का रूल्स, लेकिन यहाँ पर तो बच्चों का खेल है, इसीलिए जितने भी बच्चे हैं आधे आधे हो जाते हैं। और चयन करना मतलब चुनना, तुम मेरे टीम में आ जाओ तो तुम उसके टीम में चले जाओ, इस तरह सिलेक्शन। बच्चे अधिक हैं इसलिए यह करना पड़ता है। जो दादा टाइप के बच्चे हैं उनमें कुछ बड़े हैं तथा काठी से मजबूत हैं, वे चयन करते हैं, मतलब
हायर मतलब सिक्स सेवेंथ एट के बच्चे समझ लिए हैं वहां पर, तो एट के बच्चे सिलेक्शन करते हैं, एट नाइन्थ टेंथ के बच्चे हैं तो टेंथ के बच्चे सिलेक्शन करते हैं, मतलब जो सुपर सीनियर है उनको दिया जाता है। इस दौरान दूसरों को तू चपार की हिम्मत नहीं पड़ती, मतलब अगर सुपर सीनियर्स को सिलेक्शन की चांस मिलता है तो जूनियर्स चुप रहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। चयन करने वाले पहले अपने यार दोस्तों को लेते हैं, फिर पड़ोसियों को, फिर एक दो अच्छा खेलने वालों को भी, सिलेक्शन भी इस तरह किया जाता है। जब वे लेते हैं तो पहले अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, फिर अपने घर के अगल बगल वालों को, उसके बाद जो खेलते हैं उन्हें। वे स्वयं तो टीम में आते ही हैं और इस बात में वे राष्ट्रीय चयनकर्ताओं से दो कदम आगे हैं। उस बच्चे का स्थान तो हर टीम में पक्का है कि जो बल्ला तथा गेंद लाता है, मतलब जो बॉल और बैट लाता है उन्हें तो टीम में लेना ही पड़ता है, क्योंकि उसका बॉल है, उसका गेंद है, तो उसे नहीं खिलाएंगे तो बॉल गेंद नहीं देगा फिर बाद में। इसीलिए जो बॉल और गेंद लाता है उसका टीम में खेलना पक्का है, कंफर्म है, उसको कोई हटा नहीं पाएंगे। कई बार वह जिद करके कप्तान तक बन जाता है, तो बॉल और बैट लाने वाला कभी कभी स्टबर्न होकर अपने के लिए कैप्टनशिप भी ले लेता है। बात नहीं मानी तो वह अगले दिन बैट नहीं लाएगा, सब देखना पड़ता है चयन करता हूं को। इस चक्कर में कुछ अच्छे खेलने वाले बच्चे बाहर आ जाते हैं। Keep all this in the mind, sometimes those who play very well, they will be left out. बाहर रह जाते हैं। ये बाहर रह जाने वाले हल्ला करते हैं, कंकड़ मारते हैं और बार बार चिल्लाते हैं कि चलो चलो बस आ गई। यहाँ जो बच गए हैं, जिनको टीम में चांस नहीं मिला खेलने के लिए, वे क्या करते हैं, बीच बीच में ये डंडा मारना या छोटे छोटे कंकड़ निकाल कर उन पर फेंकना या नहीं तो चिल्लाना, बस आ गए चलो चलो चलो, इस तरह चिल्लाते ले जाना, ऐसे करते हैं। उनमें से एकाध को अंपायर बना दिया जाता है जो गुस्से में किसी को भी आउट दे देता है। तो ये लोग क्या करते हैं, कैप्टन लोग इन बचे हुए में से किसी एक को अंपायरिंग करने का चांस देते हैं। तो गुस्सा है, उस गुस्से से इसको आउट कर देगा, उसको आउट कर देगा या कैसा भी, और जल्दी जल्दी हो जाएगा। यदि आउट करने के लिए बहुत हुल्लड़ मचा तो वह अपना बल्ला वापस ले लेता है। अगर इस तरह आउट ज्यादा करने आउट कर दिए हैं और बाकी नहीं माने हैं आउट के लिए, तो वह क्या करता है, अपना बैट लेकर वहां से चला जाता है। तो अंपायर अपना ही निर्णय रद्द कर देता है। तो अंपायर क्या बोलता है, अच्छा चलो छोड़ो, आउट नहीं हुआ, लाओ लाओ बैट लाओ और फिर से खेलना शुरू कर, इस तरह वह अपना निर्णय को वापस ले लेता है। मैदान के उत्तरी छोर पर कुछ चेड़नुमा गैराज बने हैं, जिनकी छत पर अगर बॉल चली गई तो खेल न केवल बहुत देर तक बंद रहता है, बल्कि उस बल्लेबाज की हैसियत, उम्र तथा स्वास्थ्य के हिसाब से, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ तक हम देखते हैं कि उसका निर्णय रद्द हो गया है। तो ये अभी आपका खेल जहाँ मैदान वहां में क्रिकेट मैच के बारे में आपको समझाया जा रहा है। तो बच्चे इस तरह खेलते हैं और जब बस आ जाता है तो अपने अपने बस्सा को उठाकर बस चढ़कर स्कूल चले जाते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, आपका गृह कार्य यह है कि जितने भी स्पोर्ट्स गेम्स हैं उनका, मतलब इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स का एक लिस्ट बनाकर आप होमवर्क दिखाइएगा। स्पोर्ट्स में मतलब इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, दोनों का लिस्ट बनाइएगा। इंडोर गेम्स का एक लिस्ट, आउटडोर गेम्स का एक लिस्ट बनाकर होमवर्क आप प्रेजेंट कीजिएगा। यहीं पर हम इसे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।